hey guys we all welcome you in india's best learning platform upcoming ias and today we are going to deal with some current affairs issues and the topic of the discussion for today's prelims booster series is about the successful test of prithvi's second missile i hope you all are doing well so without doing any further delay let's start the video and first of all we will discuss why this is in news so students recently jo prithvi's टू मिसाइल है उसको सक्सेसफुली हमने उड़ीसा के कोच से लॉन्च करा गया है एंड ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो पृथ्वी सेकेंड है इसको इसके टेस्ट को किसने कंडक्ट किया था तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दैट इज डी ने इसकी जो टेस्टिंग थी वो करी थी फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर और इसके अंदर इसकी टेस्टिंग के अंदर जितने भी लाइक टेक्निकल पैरामीटर्स पे आप टेस्टिंग कर सकते थे या फिर ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे टेस्टिंग कर सकते थे मिसाइल के उन सभी पैरामीटर्स पे टेस्टिंग सक्सेसफुली कर ली गई है और अगर हम पृथ्वी की बात करें कि इस मिसाइल को किसने बनाया था तो डी ने ही इस मिसाइल को डेवलप किया था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई जी जी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने डी ने पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पृथ्वी सेकेंड मिसाइल सो इसकी रेंज की अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी रेंज है थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स एंड इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है फाइव हंड्रेड से वन थाउजेंड के जी ऑफ ऑर्डिनेंस को एक कैरी कर सकती है और अगर हम बात करें कि ये अपने जो डेजिग्नेटेड टारगेट को कैसे अटैक कर दिया कैसे उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है उसके लिए एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का जिससे कि अपने टारगेट को डेजिगनेट करती है और इससे पहले भी जो पृथ्वी सेकेंड मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट करा जा चुका है 2018 और 2019 में बट वो ड्यूरिंग द नाइट था जो इसका टेस्ट था और ये वाला जो है वो ड्यूरिंग द डे है और इसकी मिसाइल पावर की बात करें तो लाइट प्रपोलशन विद ट्विन इंजन ओके एंड एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट दी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज आई जी एम जी पी क्योंकि जो पृथ्वी मिसाइल है ये डी आर डी ओ ने अंडर दिस प्रोग्राम लॉन्च करी है तो इस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो इस प्रोग्राम को डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के द्वारा कन्सीव किया गया था जिससे कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफ सफिशियंट बन सके उसे किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाए लेकिन जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने इसे ट्वेंटी सिक्स जुलाई नाइनटीन एटी थ्री में अप्रूवल दिया था और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मिसाइल्स को डेवलप किया है सम ऑफ देम आर पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश नाग मिसाइल्स बट इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए पृथ्वी मिसाइल हो जाती है क्योंकि इसका सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है तो ये न्यूज़ में आने के इसमें चांसेस हैं मीन से एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एंड जो मैंने आपको और आपका टास्क दिया है आप उसे कंप्लीट करके रखना जिससे कि आपकी साइड बाई साइड जो मैप्स के क्वेश्चन हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो प्रीम्स में आते ही आते हैं वो भी आपके साइड बाई साइड कवर होते रहे एंड प्रिल्म टू को आप क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा करीब हूँ सो वी विल लर्न आर सेल थैंक यू सो मच एंड नाइस डे अहेड डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ टल्स बूस्टर सीरीज